2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट में एक वर्ड यूज करने पर बैन लगा दिया था एंड वो था प्रोस्टिट्यूशन। अब सोचो अगर इस वर्ड को यूज करना ही इतना बड़ा गुनाह है तो एक्चुअल में इसको प्रैक्टिस करना कितना बड़ा टैबू होगा। पर आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी 2000 करोड़ रुपए पर ईयर कमाती है इसी के थ्रू एंड वो है डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन बैंकिंग के बाद एक और सेक्टर बहुत ही ज्यादा इमर्ज कर रहा है एंड वो है ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब्स। इसको देखो, ये है ब्लैक चाइना। इसका ओनली फैन सब्सक्रिप्शन सिर्फ $20 पर मंथ है बट ये महीने के $20 मिलियन से भी ज्यादा कमा रही है। मतलब जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, उससे भी ज्यादा पैसे ये बंदी कमा रही है पर मंथ। कहां आजकल लोग हाइपिंग तीन तीन जॉब करके इतना पैसे नहीं कमा पा रहे एंड ये बंदी सिर्फ 3 फोटो अपलोड करके महीने के $20 मिलियन कमा रही है। एंड आप सोच रहे होगे कि भाई इस मॉडल की तो मजे है, इतने ज्यादा पैसे कमा रही है इतने कम काम में, बट एक्चुअल में सच्चाई कुछ और ही है। 80% ऑफ द ओनली फैंस मॉडल आर एक्चुअली डिप्रेस्ड। इस पूरे इकोसिस्टम में ना तो ओनली फैंस की मॉडल खुश है एंड ना ही वो लोग जो इन मॉडल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर कोई खुश है तो वो है ये बंदा टिमोटी स्टॉकली, जो कि फाउंडर ऑफ ओनली फैंस है। और इस वीडियो में मैं ओनली फैंस के बिजनेस मॉडल को अच्छे से डिकोड करने वाला हूँ। एक टाइम पर जहाँ एक्सप्लिसिट कंटेंट ओनली फैंस पर बैन था, आज उसी कंटेंट की वजह से ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर कमा रही है। पर इससे बड़ी बात ये है कि जब इंटरनेट पर इतने सालों से अडल्ट कंटेंट फ्री में अवेलेबल है तो आखिर लोग ओनली फैंस मॉडल को इतने सारे पैसे देकर उनको मिलियनेयर्स क्यों बना रहे हैं और आखिर में ये ओनली फैंस कंसेप्ट इतना चला ही क्यों एंड आप इससे कैसे बच सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। The agenda behind OnlyFans and the normalization of sex work. तुम्हारी गंध को ताकत मिल गई है पहली बार, ऑटोनॉमी मिली है मादर। OnlyFans क्या है OnlyFans? जब ऑनलाइन इतना सारा अडल्ट कंटेंट ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है तो आखिर ओनली फैंस जैसा ऐप चला ही क्यों? इसको जानने के लिए हमें अडल्ट इंडस्ट्री की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। वैसे तो अडल्ट कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में बहुत पहले से अवेलेबल था। स्मार्टफोन से पहले सीडीज चलती थी, मैगजीन्स चलती थी, DVDs चलती थी, ये सारी चीजें स्मार्टफोन से पहले चलती थी। पर फिर 1993 में इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ एंड 2 साल के अंदर ही वर्ल्ड को मिली उनकी पहली अडल्ट वेबसाइट। डैनी एश एक अडल्ट डांसर थी जिसको थोड़ी बहुत कोडिंग आती थी एंड उसने बनाई अपनी पहली वेबसाइट जिसका नाम था डैनीज हार्ड ड्राइव। धीरे धीरे ये वेबसाइट इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि डैनी एक टाइम पर साल के $5 मिलियन से भी ज्यादा कमा रही थी इस वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स आई, बहुत सारे ऐप्स आए, बट 2016 में एक और ऐसी ऐप आई जिसने इस पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करके रख दिया था एंड उसका नाम था ओनली फैंस। जैसे इसके नाम से काफी क्लियर हो रहा है, समथिंग फॉर द फैंस। इसके फाउंडर टिम स्टॉकली बोलते हैं कि इस वेबसाइट को बनाया गया था ताकि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट अपने फैंस को दे पाए। बट अगर हम टिम स्टॉकली की उस बंदे की हिस्ट्री देखें तो वो कुछ और ही दिखाती है। ओनली फैंस से पहले टिम स्टॉकली 2 और अडल्ट वेबसाइट चलाते थे जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। फिर 2018 में एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था लियोनिड रैडविंस्की, जो कि कंपनी का 75% शेयर ओन करते हैं। इन दोनों का विजन बहुत ही क्लियर था, इनको एक ऐसी ऐप बनानी थी जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो और अडल्ट कंटेंट देती हो। 2020 तक मतलब कोविड से पहले ही ओनली फैंस के 20 मिलियन यूजर थे और फिर कोविड आने के बाद जहां पर $1 मिलियन बिजनेसेस बंद हो रहे थे कोविड के टाइम पर, ये वाली जो इंडस्ट्री थी स्पेशली ये वाला जो ऐप था, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे। लोग अपने घर में बंद थे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बट इस टाइम पर एक ऐसी इंडस्ट्री ऊपर आई जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा कमाया एंड वो थी सेक्स वर्कर्स की। देखते देखते बहुत सारे लोगों ने ओनली फैंस को यूज करना शुरू कर दिया एंड जहां कोविड से पहले इनका सब्सक्राइबर बेस सिर्फ 20 मिलियन था, कोविड के बाद वो 120 मिलियन हो गया एंड अभी फिलहाल 240 मिलियन यूजर्स है इनके ऐप के। पैंडेमिक तो खत्म हो गया बट ओनली फैंस का क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग तो पार्ट टाइम ओनली फैंस को यूज कर रहे हैं बट बहुत सारी ऐसी मॉडल्स है जिन्होंने इसको अपना फुल टाइम बिजनेस ही बना लिया है एंड बहुत सारे लोग तो इससे एडिक्ट हो चुके हैं एंड उनकी वजह से ये ओनली फैंस मॉडल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। और अब तो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, फ्लॉप एक्टर, एक्ट्रेसेस, इन सब ने अपना ओनली फैंस अकाउंट बना लिया है। बेला थ्रोन जो कि हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने जब अपना ओनली फैंस का अकाउंट खोला था तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने $1 मिलियन कमा लिए थे। हर महीने वो ओनली फैंस से $11 मिलियन कमा रही है। कहां उनको पहले रोज सेट पर जाना पड़ता था, डायलॉग्स याद करने पड़ते थे, एक्टिंग करनी पड़ती थी, सिंगिंग करनी पड़ती थी, 10 लोगों के ड्रामे देखने पड़ते थे एंड अब वो सिर्फ अपने रूम में बैठ के 3-4 फोटो अपलोड करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। तो ये मॉडल्स को काफी इजी और एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर लगता है। और वैसे भी जितने पैसे वो ओनली फैंस से कमा रही है उतने पैसे वो 3-4 मूवी
भी करके भी ना कमा पाती। अगर आप किसी भी मॉडल के इंस्टाग्राम पेज पर जाओगे तो सबसे ज्यादा कमेंट अगर आपको किसी के मिलेंगे तो वो है इंडियंस। इंडियन मेल को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉर्नी और सबसे ज्यादा सेक्स डिप्राइव माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ओनली फैंस का कल्चर इंडिया में तो आना ही था। वैसे तो ओनली फैंस इंडिया में बैन है, बट आपको पता ही है कि इंडियंस कहीं ना कहीं से जुगाड़ चीज कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। और वैसे भी अब ओनली फैंस ही छोड़ो, इंडिया में कितनी सारी ऐसी ऑनलाइन वेब सीरीज बन रही है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि ओल्ड बालाजी, जिनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न पर ही चल रहा है। और अगर मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करूं, क्योंकि मोस्टली वही प्लेटफॉर्म यूज होता है ओनली फैन कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, तो अगर ओनली फैंस एक मेन एक्टर है तो ये इंस्टाग्राम उनके साइड एक्टर्स है। बहुत सारी मॉडल्स ओनली फैंस पर एक्चुअल में अपना कंटेंट बनाती है एंड उसको प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे से यूज करती है। रील्स बनाती है, स्टोरीज डालती है, आपने देखा ही होगा वो पेटीएम गर्ल्स वगैरह ये सब कुछ चलता रहता है इंस्टाग्राम पर। और वहां पर अगर आप देखोगे ना तो इन सारी चीजों को एक मेन्यू की तरह, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना मेन्यू मिलता है, वैसे एक मेन्यू की तरह आपको दिया जाता है कि ये हमारी सर्विसेज है, ये रेट है। एंड बहुत सारी ऐसी मॉडल है जो सिर्फ कॉल करने के ही 10,000 रुपए तक ले रही है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग इतने सारे पैसे दे भी रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो, अगर मॉडल दिन की 10 कॉल भी कर ले और महीने के 30 दिन भी काम करती है तो उसके 30 लाख रुपए हो गए। अब मेरे को आप बता दो कि कौन सी सी जॉब है, कौन सी सी डिग्री है जिसको करने के बाद आपको महीने के 30 लाख रुपए मिलते हैं। तो एक्चुअल में ये काफी शॉर्टकट तरीका है इन मॉडल्स का पैसे कमाने के लिए। पर फिर बात ये आती है कि आखिर इन लड़कियों में ऐसा है ही क्या, जब इंटरनेट पर इतना सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है तो लोग आखिर इन लोगों को पैसे दे क्यों रहे हैं? क्यों लोग व्हाट्सएप कॉल के लिए 10-10, 20-20 हजार या कुछ वीडियो कॉल के लिए इतने सारे पैसे दे रहे हैं? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है एंड वो रीजन है द सैड डिक्लाइन ऑफ मैस्कुलिनिटी। साल 2014 में 22 इयर्स का एलिट अपनी BMW कार से निकलकर 6 लोगों को गन से मार देता है एंड उसमें 14 लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं। आगे चल के ये बंदा इनसेल कम्युनिटी का हीरो बन जाता है। अब आप पूछोगे कि आखिर में इनसेल कम्युनिटी है क्या और एक 22 साल का लड़का मास शूटिंग क्यों कर देता है? तो देखो, कोविड पैंडेमिक तो खत्म हो गया बट एक और पैंडेमिक अभी फिलहाल चल रहा है एंड वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है एंड वो है मैस्कुलिनिटी। सारे सोशल मीडिया, सारे टीवी, सारे न्यूज चैनल, सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट पर तो फोकस कर रहे हैं बट मैन एम्पावरमेंट का क्या, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आजकल के मॉडर्न मैन के पास ना तो लाइफ में कोई पर्पस बचा है एंड ना ही कोई ऐसा रोल मॉडल जिसको वो लुकअप टू कर पाए। आपको क्यों लगता है कि रिसेंट टाइम में एंड्रू टेट इतना ज्यादा फेमस हो गया? क्योंकि मेल्स के बीच में कोई ऐसा बंदा था ही नहीं या फिर कोई ऐसा रोल मॉडल था ही नहीं जिसको वो लुकअप टू कर पाए एंड जब एंड्रू टेट ने ऐसी चीजें बोली तो बहुत सारे लड़के उसके फैन बन गए। और एक लड़का हमेशा बहुत ही कंफ्यूज रहता है रिजेक्शन के डर से या फिर 2-3 बार रिजेक्ट होने के बाद भी वो कभी भी बंदा ये नहीं सोचता कि मैं किसी और नई लड़की को अप्रोच करूं। और अपने मन में इस डर की वजह से, अप्रोच ना करने की डर से या फिर रिजेक्शन के डर से एक बहुत ही हेट्रेड बना लेता है अपने माइंड के अंदर लड़कियों के लिए। और इन्हीं मेल्स को कहा जाता है इनसेल। जिस बंदे की मैंने आपको स्टोरी बताई, एलिट जो बंदा था 22 साल का जिसने मास शूटिंग कर दी थी, वो एक्चुअल में इनसेल था। वो आज तक किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं था। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि अप्रोच तो उससे किया जाता नहीं था एंड वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था इस चीज की वजह से एंड उसने एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बना ली थी ऑपोजिट जेंडर के लिए। वो बंदा हैंडसम भी था, BMW भी थी, एक अच्छे खासे खानदान से भी आता था, बट कभी भी उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि वो जाकर किसी और लड़की को अप्रोच करे और इसी की वजह से उसकी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। और ओवर टाइम इलेट के मन में एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा हो गया था ऑपोजिट जेंडर के लिए एंड इसको निकालने के लिए उसने USA में मास शूटिंग कर दी और उसने ये शूटिंग और ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर निकाला। अब इलेट तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस था बट हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस माइंडसेट के साथ घूम रहे हैं, जिनकी फीमेल्स के साथ जीरो इंटरेक्शन है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर किसी को अप्रोच करने में मेहनत लगती है, फिर रिजेक्शन भी हो सकते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद ब्रेकअप भी हो सकता है। और एक रोमांटिक रिलेशनशिप सीख करना ह्यूमंस की बेसिक नीड है, तो आखिर उस नीड को पूरी करे तो करे कैसे? तो देखो, किसी के पास लड़की हो या ना हो, स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूर है एंड इसी नीड को कैपिटलाइज करते हैं ये अडल्ट इंडस्ट्री की कंपनीज। जहां इंटरनेट पर इतना एक्सप्लिसिट कंटेंट भरा हुआ है, ओनली फैंस पर भी वही मॉडल सबसे ज्यादा पैसे कमाती है जो सबसे ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट डालती है अपने ओनली फैंस के पेज पर। इन मॉडल्स को बहुत ही अच्छे से पता है कि जो भी बंदे इनको सब्सक्राइब करते हैं वो एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए तो करते ही हैं, बट उनको एक और नीड होती है एंड वो है इमोशनल नीड। और यही रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेट पर आज जहां प्री रिकॉर्डेड कंटेंट इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा बिक रहा है, वहीं ओनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर आप डायरेक्टली उस मॉडल से इंटरेक्ट कर सकते थे और एक वर्चुअल
रिलेशनशिप डेवलप कर सकते थे। फैंस उनके साथ चैट करते हैं, उनके साथ वीडियो कॉल करते हैं, उनको अपने बर्थडे पर गिफ्ट्स देने के लिए बोलते हैं, तो एक वर्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तो ये उनकी सेक्सुअल नीड्स को भी पूरा कर देते हैं, इमोशनल नीड्स को भी। इसी वजह से ओनली फैंस इतना ज्यादा चला। आई नो आप में से बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसमें गलत ही क्या है, फिर मॉडल्स को पैसे मिल रहे हैं एंड लोगों को एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। बट व्हाट इफ मैं कहूं कि इस रिलेशनशिप से तो बेटर सिंगल रहना ही है। आपको क्या लगता है कि ये मॉडल्स बैठ के इतने सारे लोगों के साथ चैटिंग वगैरह करेंगी? एक्चुअल में इनकी एक पूरी टीम होती है, फिर बॉट्स वगैरह होते हैं जो बाकी लोगों से टेक्स्ट करते हैं एंड ये मॉडल्स मस्त आराम से घूमती है। ऑल्सो मॉडल्स 3-4 ऐसी कस्टम फोटो जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो क्लिक करके रख लेती है एंड लोगों को लगता है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, उनसे फोटो मांग रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई और बंदा बैठा होता है, फिर बॉट्स वगैरह बैठे होते हैं एंड वो लोग उन लोगों को टेक्स्ट कर रहे होते हैं, वही फोटो भेजते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक स्कैम ही है। ऊपर से इन मॉडल्स की फोटो भी बहुत ज्यादा एडिटेड होती है। इनफैक्ट बहुत सारी मॉडल्स तो सर्जरीज करवाती है, कोई किसी चीज की सर्जरी करवा रहा है, कोई किसी चीज की सर्जरी करवा रहा है एंड ये ट्राई करती है कि अपनी तरफ से सर्जरीज और फोटो एडिट करवा के परफेक्ट दिखे बाकी लोगों के लिए। और सालों तक इन मॉडल्स को देखने के बाद बंदों के मन में एक अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है कि मेरे को भी ऐसी बंदी चाहिए, बट एक्चुअल में वो लोग तो फेक होती है, रियल में ऐसी बंदी मिलती नहीं एंड इसका रिजल्ट होता है अनहैप्पी रिलेशनशिप्स एंड डिप्रेशन। और कोई भी बंदा ना एक मॉडल को सब्सक्राइब करने के बाद रुकता नहीं है, ये नहीं है कि इसने एक बंदी को सब्सक्राइब कर दिया तो वहीं पर रुक जाएगा। एक मॉडल को देख लिया तो भाई और चीजें देखनी है मेरे को, और फोटोज देखनी है, और वीडियोस देखनी है। एक मॉडल से मन भर गया तो बाकी मॉडल्स पे जाता है, तो ये पूरा एक लूप है जिसमें एक बंदा फंस के रह जाता है। ये पूरा का पूरा मॉडल मेल्स को डिसेंसिटाइज करने के लिए बनाया है। अल्टीमेटली वो बंदा ना तो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रह पाता है और ना ही एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ पाता है, और लॉन्ग रन में वो बंदा काफी ज्यादा लोनली और डिप्रेस्ड हो जाता है। और इस ओनली फैंस की कल्चर का नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ लड़कों पे नहीं पड़ रहा है, बट जो मॉडल्स उसे पैसे कमा रही है उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस ओनली फैंस ऐप का। इतना सारा पैसा कमाने के बाद, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के बाद, हर साल ये इतनी सारी मॉडल्स एक्चुअली अपनी जान क्यों ले रही है? इतना पैसा कमाने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है? एंड दिस लीड्स अस टू अनदर टॉपिक, दैट इज द राइज ऑफ न्यू एज फेमिनिज्म। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट 12 साल स्कूल में पढ़ाई करता है, फिर 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता है एंड उसके बाद मुश्किल से उसका पैकेज 10-12 लाख का लग पाता है। वहीं ये ओनली फैंस मॉडल सिर्फ एक हफ्ते में ही 10-12 लाख रुपए कमा लेती हैं। इन यंग गर्ल्स के लिए इंडस्ट्री या फिर ये ऐप बहुत इजी तरीका है ढेर सारे पैसे कम टाइप में कमाने का। इसके लिए ना तो आपको कोई स्किल चाहिए, ना ही कोई मोटी इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ कुछ फोटोज अपलोड, कुछ वीडियोस अपलोड करनी है जिसके थ्रू आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो। पर इन मॉडल्स को ये नहीं पता कि 30 साल के बाद कोई भी इनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाला, क्योंकि उस टाइम पर प्लेटफॉर्म पर नई मॉडल्स आ जाएंगी एंड कोई भी पुरानी मॉडल्स को इतने टाइम तक नहीं देखने वाला, या फिर 30 साल के मॉडल्स को कोई नहीं देखने वाला एंड नई मॉडल्स जब आ जाएंगी तो ये लोग आराम से रिप्लेस हो जाएंगे। बहुत सारी मॉडल्स को ऑलरेडी ये चीजें पता है, बट फिर वो इस कंटेंट की कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर नहीं है। आपने ये तो सुना ही होगा कि इंटरनेट से कोई भी चीज डिलीट नहीं होती है। इमेजिन करिए कि 10 या 20 साल बाद इन मॉडल्स के बच्चे स्कूल में जाएंगे एंड उनको कितना ज्यादा बुली किया जा सकता है उनकी मम्मी की वजह से। और बच्चों की बात तो बहुत दूर है, कोई भी सेंसिबल बंदा इनके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले 10 बार सोचेगा। ओनली फैंस की मॉडल की लाइफ में अप्रिसिएशन तो बहुत ज्यादा होती है, बट सच्चा प्यार बहुत ही कम होता है। भले ही ये पिक्चर्स में, वीडियोस में आपको बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है, बट एक्चुअल में इनकी लाइफ काफी ज्यादा सैड और डिप्रेस्ड होती है। डियाना डीट, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ओनली फैंस मॉडल थी एंड उनके 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने कुछ साल पहले ही अपनी जान खुद ले ली थी। वो सिर्फ 24 साल की थी एंड अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी, बट वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस थी इस कंटेंट की वजह से एंड उनको लास्ट ऑप्शन यही लगा। इनफैक्ट जो मॉडल सब एक्टिव भी नहीं है, जो ये कंटेंट बना भी नहीं रही है, वो भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है अभी तक अपनी लाइफ में और इस चीज को रिग्रेट करती है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में मिया खलीफा को तो सुना ही होगा कि वो कितनी ज्यादा डिप्रेस्ड है अभी भी। This is me putting Mia Khalifa behind me, and this is me like trying to be a real human. Did not work. Everyone in the office recognized me. It was a very uncomfortable work environment, not because anyone was overtly inappropriate. It was just simply being in an office, knowing anyone who walked through did a double take and is like, so. That was uncomfortable. In fact, OnlyFans का influence बहुत ही ज्यादा हो रहा है young girls पर and ये चीजें हमें YouTube पर भी देखने को मिल रही है, जैसे कि ये video. First time giving dump to a guy.
रहा है। इंडिया जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑनलाइन इतने सारे लोगों के सामने नरेट करना, ये कुछ भी हो इंडिपेंडेंस और वुमेन एम्पावरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस वीडियो पर 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितने सारे लोग ये सारी चीजें देखना चाहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड ही है बेसिकली। ऐसी टाइप के एप्स, ऐसी टाइप की वेबसाइट पूरी की पूरी जनरेशन को एक ऐसी चीज में धकेल सकती है जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पूरी कमिंग जनरेशन को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद भी ओनली फैंस $2.5 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो डिस्कस ही कर लेते कि आखिर इनका बिजनेस मॉडल है क्या। ओनली फैंस का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मॉडल्स अपनी फोटो अपलोड करती है एंड वो पर मंथ या फिर पर ईयर के हिसाब से $5 से लेकर $50 पर मंथ तक चार्ज कर सकती है बाकी लोगों का, एंड बाकी लोग इन लोगों को पे करते हैं, इन मॉडल्स को पे करते हैं। इसमें से 80% क्रिएटर को जाता है, उस मॉडल को जाता है, एंड बाकी का 20% ओनली फैंस के टीम को जाता है, बेसिकली ओनली फैंस के प्लेटफॉर्म को जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर चैटिंग करने के $100 एक मॉडल लेती है तो $80 मॉडल को जाएगा एंड $20 प्लेटफॉर्म को जाएगा। इतने सिंपल मॉडल के बाद भी ओनली फैंस की टोटल वैल्यूएशन $18 बिलियन है। बट बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, ये प्लेटफॉर्म कितने भी ज्यादा पैसे कमा ले, कितने भी ज्यादा प्रॉफिट में हो जाए, बट ये जो इफेक्ट कमिंग जनरेशन पर छोड़ने वाले हैं वो इरिवर्सिबल होगा। देखो कंपनीज तो रुकने वाली है नहीं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनको तो प्लेटफॉर्म बढ़िया चल रहा है। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो आपको खुद कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम पर आपको ऐसी रील्स आ रही है जिससे ये चीजें ट्रिगर होती है तो आप उस रील पर नॉट इंटरेस्टेड क्लिक कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो ये चीजें आती नहीं है। व्हाट्सएप पर तो कोई मॉडल आपको बोलेगी नहीं कि भाई मेरा ओनली फैंस वगैरह ले लो। इंस्टाग्राम पर ही प्रमोशन होती है, वहां से मोस्टली लोग ओनली फैंस पर जाते हैं। तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इन मॉडल्स की भी मजे है, इन प्लेटफॉर्म की भी मजे है, बट सिर्फ आपका टाइम जा रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है। अगर आपको रोकना है तो आपको ही खुद कुछ करना पड़ेगा। तो कोई भी चीजें ऐसी जो आपको ट्रिगर्ड करती है उसको आप कट ऑफ कर दो। इंस्टाग्राम पर रील्स को नॉट इंटरेस्टेड कर दो, इंस्टाग्राम कम यूज करो, ऐसी मॉडल्स को फॉलो मत करो। कोई दोस्त अगर ऐसी रील शेयर करता है तो भाई उससे दूर रहो, क्योंकि उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम और आपका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। तो मेन चीज आपके ऊपर है, आपको ही खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड आपको ही अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं बताने वाला है। तो अपना ध्यान रखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में बता देना कि आपके क्या व्यूज़ है ओनली फैंस के ऊपर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।